वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगती का कहना है कि रियासत के रेट को हम हर सूरत कायम करेंगे। सवाद तर्ज ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। मुल्क को जत्थों के हवाले नहीं किया जा सकता। बंदूक की नोक पर नजरिया मुसल्लत नहीं करने दिया जाएगा। इस खून का बदला जरूर लिया जाएगा। सवाल किया जिन्होंने बसों से उतार कर लोगों को मारा, उनको मैं कैफर किरदार तक पहुंचाऊं या मुजाकिरात करूं? ये लश्कर रॉ फंडेड है, इसके ठोस सबूत है। इनका कौम परस्ती से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स पर जाते हैं क्योंकि हार्ड टारगेट्स पर उनकी कैपेसिटी नहीं है। बलोचिस्तान के केस में विक्टिम रियासत है, ये कौन से हकूक की जंग है? NFCA अवार्ड में पंजाब ने हमें अपना शेयर दिया है। वायलेंस की मोनोपोली सिर्फ रियासत एक्सरसाइज करती है। रेट ऑफ द स्टेट जो है उसको हर सूरत में एस्टैब्लिश किया है। एक सवाद तर्ज की ऑपरेशन है तो देखें, अभी इसकी ज़रूरत अगर पड़े तो बिल्कुल किया जा सकता है। उन जत्थों को हुकूमत के हवाले नहीं की जा सकती। बंदूक के ज़ोर पे अपना नज़रिया मुसलत करना चाहते हैं, उस नज़रिए को मुसलत नहीं करने दिया जाए। इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। 23 मासूम शहरियों को शहीद कर दिया बसों से उतार, उसको मैं कैफर किरदार तक पहुँचाऊँ या उससे जाके मैं भीख मांगूँ कि आप मेरे साथ मुज़ाकरात करो? नॉट एट ऑल। ये रॉ फंडेड लश्कर, सरकमस्टांशियल एविडेंसेज भी हैं, सॉलिड एविडेंसेज भी हैं रियासत के पास, हुकूमत के पास, जिसका कौम परस्ती से कोई ताल्लुक नहीं है, कि ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स पे जाते हैं। ये हार्ड टारगेट्स पे ना इनकी कैपेसिटी और ना ये कुछ कर सकते। रियासत है विक्टिम, तो बलूचिस्तान के केस में विक्टिम ये तो नहीं है। NFCA अवार्ड में पंजाब ने अपना शेयर हमें दिया है, तो वी शुड बी थैंकफुल टू पंजाब एंड वी आर। वायलेंस की मोनोपोली